मटन चिकन तैयार है, खाना खाइए। पापा साहब मटन के बहुत शौकीन थे पता है, मेरे पास सारे कागज रखे हुए हैं। ये महारों को आप इतना भड़का रहे हैं, जो 500 रुपए उनको साल में मरे हुए जानवर से मिलते हैं वो उससे आप वंचित कर रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया था, ये काम करो, मरे हुए जानवर को तुम ढो, 500 रुपया तुम कमाओ। इसमें मैं बहुत सीरियस हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है। नेता का मतलब हमारा समाज समझता है एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बनना। मैं वही बाइंड अप करा था सर, आपके 131 एससी एसटी के सांसद हैं, 182 ओबीसी के सांसद हैं। और सुनिए, आवाज नहीं उठ रही है। मेरा एटीट्यूड है उससे बड़ा आदमी मैं खुद हूँ, उनको बोल दीजिएगा हमें जरूरत है। आज एक खास दिन, 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बड़ा कदम उठाया था और वो कदम था एक सम्मानजनक जिंदगी का, इस देश के वो तबका जो जाति के आधार पर शोषित था, वंचित था और जिसको वन व्यवस्था के आधार पर एक बेहतर जिंदगी से दूर रखा गया। डॉक्टर रतन लाल है मेरे साथ, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर है, आप सब जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसको इन्होंने लॉन्च किया है, हेरिटेज भवन में रहते हैं। आपने एक नई बाइंड्री सेट करने की कोशिश की है कि सम्मानजनक जीवन, क्या मैसेज है इसमें खासकर शोषित वंचित समाज के लिए? देखिए, मैंने तो एक अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नामा पे जो पूरा प्रोसेस था मनुस्मृति दहन का, महार आंदोलन और कालाराम टेम्पल, पूरा एपिसोड मैंने बनाया है, इसलिए उससे बहुत सारी बात नहीं कहूँगा। लेकिन उसका खाली मतलब क्या था? मतलब था समानता, कि मानवीय अधिकार के साथ सब लोग जिए। और मैं किताब पन्ने के साथ, मैं पेज नंबर के साथ मैं कहता हूँ, आप कहीं जाइए और देखिए, वो पूरे लड़ाई खाली जलाना जो है ना, वो प्रतीक था, उसको समझिए। आज हम लोगों ने मनुस्मृति कोई किताब नहीं जलाई है, एक शिक्षक होने के नाते हमने उस पर चर्चा करी और सारे लोगों ने फिल्म देखी है, उसमें चर्चा हुई है खाने को लेकर कैसे राजनीति होती है। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें कहा गया कि महारों को आप इतना भड़का रहे हैं, जो 500 रुपए उनको साल में मरे हुए जानवर से मिलते हैं वो उससे आप वंचित कर रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया था, ये काम करो, मरे हुए जानवर को तुम ढो, 500 रुपया तुम कमाओ और 500 रुपया अलग से हम देंगे आपको, अलग से हम देंगे। तो ये पूरा एटीट्यूड का सवाल था कि दलित जो है वो मरे हुए मांस खाए, जानवर का मांस खाए, फटा कपड़ा पहने, तो पूरी लड़ाई एटीट्यूड की थी। और मुझे लगता है कि मैं तो कई बार कहता हूँ सोशल मीडिया के जितने आभासी दुनिया के मेरे साथी जानते हैं, कि मैं कहता हूँ कि मैं तो बाबा साहब का बिगड़ा चला हूँ, उन्हें कई बातें से सहमत होता हूँ, कई बात से सहमत नहीं होता हूँ, लेकिन तब भी उनके राइटिंग्स को मैं पढ़ता हूँ और पेज नंबर के साथ उनको मैं बताता हूँ। तो आज का जो दिन है डबल धमाका है, आज क्रिसमस भी है और मनुस्मृति दहन दिवस ही है, तो दोनों की सब लोगों को बधाई। दबा के मेरे यहाँ आइए, खाना सब मटन चिकन तैयार है, खाना खाइए। बाबा साहब मटन के बहुत शौकीन थे पता है, मेरे पास सारे कागज रखे हुए हैं तो इसलिए मैंने मटन बनवाया है। और इसको सेलिब्रेशन कीजिए। और ऐसा है, ये खाली जय भीम नमो बुद्धाय मत बोलिए, कुछ काम करके दिखाइए, सब लोग इकट्ठा होइए, इंस्टीट्यूशन बनाइए, अपने टीवी खोलिए, अपने अखबार निकालिए, है ना, संस्था स्कूल खोलिए। ये बाबा साहब ये लड़ाई लड़ रहे थे, वो खाली एमएलए एमपी मंत्री बनने की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे। बाबा साहब के ज़माने में कितने सीएम थे, किसी का नाम याद है आपको? कितने मंत्री थे, नाम याद है? नहीं है ना। बाबा साहब का नाम क्यों याद है? जवाहरलाल नेहरू का ही नाम क्यों याद है? गांधी का ही नाम क्यों याद है? तो समझिए बात, राजनीति जो है चुनाव, हमारे नेता सब आजकल हो गया सब फोकटिया नेता हुआ, खाली इलेक्शन के दिन जगता है। अरे जो काम मैं कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, तो मैं बहुत एकदम एटीट्यूड के साथ कह रहा हूँ कि बिना किसी से एक रुपया लिए हुए, कुछ साथी हमारे हैं हमको सहयोग करते हैं, हम जब बोलते हैं मुझे खाना खिलाओ तो खाना खिलाते हैं, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ, अम्बेडकर साहब को भी मैं पढ़ रहा हूँ, बना रहा हूँ पूरा वीडियो, अभी लोहिया साहब को बनाऊँगा, कांशीराम जी को बनाऊंगा, कर्पूरी ठाकुर को बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा। ये काम राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकता था, ये जितने संगठन चलाते हैं, करोड़ों रुपया चंदा उगाते हैं, वो नहीं कर सकते थे।
तो ये समझिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और मुझे लगता है कि हम सबको मिल के ये पूरा जो विमर्श है, पहले बात समझिए, हमारे लोग नहीं समझते हैं, ये पूरा विमर्श है, ज्ञान का विमर्श है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, वही लड़ेगा, वही समाज को जिंदा रखेगा। मेरा सवाल है कि जितने बहुत सारा एक बहुत बड़ा तबका है जो IAS IPS मंत्री मिनिस्टर प्रोफेसर है, वो कहता है रतनलाल जी अपना घर फूकने पर आमादा है तो हम क्या करें? तो मेरा घर कहाँ फूका? मेरे से ज़्यादा बढ़िया घर में कौन रहता है ये सब? सर पूछिए किसी से, इतना चौड़ा हो गया, किसी की हिम्मत है अपने घर में बाबा साहब की मूर्ति लगाना? दिखाइए भाई, दिखाइए, है हिम्मत? तो मैंने अपना घर कहाँ फूका? घर फूक रहा हूँ मैं, जज्बा मेरे अंदर, जज्बात है, फायर है। मेरे साथ ब्रिजभूषण जी मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि शरीर में लावा शब्द इस्तेमाल किया था, मेरा शरीर ही लावा का बना हुआ है। तो अपना घर बना लोगे तो कहोगे तुम्हारा घर कब जाकर लगा सरकार, समझे? जितना पैसा बचा कर रखे हो सारा कब्जा हो जाएगा। तो घर के चक्कर में मत रहो। मेरा कोट क्या है? देखिए महंगे कपड़े हैं कि नहीं, महंगे घर में रहता हूँ कि नहीं, कहाँ फूक गया मेरा? जिस डर है, एक जो डर है, डर के आगे जीत है, तो ऐड दे रहा है, डर के आगे जीत है, ऐड आ रहा है फिल्म में, तो वो ऐड बाद में आया, उसके पहले फिल्म मैं बना रहा था। मैं आज तक डरा ही नहीं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, मेरे शिक्षक हैं, और सब बात कह रहे थे कि रतनलाल कभी डरा ही नहीं किसी से। सर ये बहुत सीरियस सवाल है, देश भर में लोग आपको सुनते हैं, पूरी दुनिया में सुनते हैं, सोशल मीडिया की बहुत रिच है। आप एक क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये जो डिग्निटीफुल लाइफ है उसको लेकर लोगों के मन में एक डर है, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मुझे सड़क पर रोक लिया जाएगा, ये एक बड़ा डर बैठा हुआ है और हजारों लोग इस तरह से सोचते हैं। उनको ऐसा है, सुनिए, नौकरी चली जाए चले जाओ, ले जाओ। जब नौकरी नहीं थी हमारे लोग कैसे जिए थे? हम लोग कैसे हैं यहाँ पे? जब नौकरी नहीं थी, आरक्षण नहीं था, तो हमारे लोग जिंदा रहे कि नहीं रहे? मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि नौकरी या टेलीविजन और एयर कंडीशन और घर के चक्कर में रहेंगे ना तो आपका बचवा जो है ना, बचवा गुलाम होने जा रहा, नहीं पता आपको। आजकल का गुलाम जो है, आजकल गुलाम जंजीर में बंधा हुआ नहीं मिलेगा आपको, कैसे एकदम एथेंस में ग्रीक में बैठे हुए जंजीर में बांधे हुए, आजकल गुलाम कैसा मिलेगा? बढ़िया कोट पहना हुआ, रेबन गोगल लगाए हुए, फ्लैट रखा हुआ, लग्जरी में गाड़ी में चलता हुआ, मुंह से आवाज नहीं, वो गुलाम है। रतन सर, आप हमारे देश में संविधान लागू है, आप संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बात कहते हैं, लोग मनुस्मृति के दबाव में उसी तरह से सोचते हैं, उनको दर्द जो है वो संविधान की वजह से नहीं, मनुस्मृति की वजह से है, तो उस बारीक जंजीर को लोग कैसे तोड़े, जो मानसिक जंजीर उसको कैसे तोड़े? ऐसा है, आर या पार है, इंसान की तरह रहना चाहते हो तो लड़ो, संघर्ष करो, जानवर की तरह रहना चाहते हो तो चुप बैठो घर। मैं इंसान, मैंने कहा है कि हमारी जो ताकत है वो संविधान से आ रही है। अरे एक ही जिंदगी है ना, पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता ना अंबेडकर साहब करते थे, एक ही जिंदगी है ना, तो 48 साल जी लिए, 12 साल और, 15 साल और, 5 साल और, कल ही मान लीजिए कुछ हो जाएगा, ये तो कम से कम होगा ना, ये स्टाइल में जीऊँगा। तो आपको क्या जरूरत है? आप नौकरी, आप अजीब हाल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा परिवार है, घर बैठिए चुपचाप, आपको क्या जरूरत है पूरे देश के? यही बाबा साहब सोचते तो गवर्नर बन गए रहते हैं, वो तो वहाँ क्या क्या नहीं बने रहते। उन्होंने कल मैंने वीडियो डाला, उन्होंने कहा है कि लॉर्ड लिनलिथगो को कहा कि लॉर्ड मैं आपके 50 ग्रेजुएट के बराबर हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, बोले क्यों हूँ मैं पता नहीं, बोले इसलिए कि ज्ञान के शिखर पे मैं हूँ और मैं चाहूँ तो आपके महल के चोटी पे बैठ सकता हूँ। उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ी? उनको क्या ज़रूरत थी जाके वहाँ महार आंदोलन करने की? क्या ज़रूरत थी काला राम मंदिर करने की? ये सवाल आप उल्टा पूछ रहे हैं। मेरी ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस समाज से आ रहा हूँ, समाज छोड़ भी दीजिए, अगर मैं दलित नहीं ब्राह्मण भी होता और मैं इसे पढ़ता होता तो मैं वही लड़ाई लड़ता जो लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई मानवता की लड़ाई, ये बराबरी की लड़ाई, इस बात को आप समझिए। आप छोड़िए ना, मेरी नौकरी जाएगी जाएगी, कौन चिंता कर रहा है नौकरी? आप मनुवाद के खिलाफ हैं या आप अपने सोए हुए समाज को जगाना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है आप? दोनों बात बराबर। लोग कह रहे हैं कि आप नेता बनना चाहते हैं। कौन हमको नेता होता, को यहाँ तो हम घुसने नहीं देते हैं, कौन बोला नेता? हम नेता है नहीं, नेता का क्या मतलब होता है? जो लोग ये बात कह रहा है वो एकदम अज्ञानी है। नेता का मतलब MLA MP नहीं बनना होता है, नेता का मतलब होता है जो समाज को लीड करे। तो उनके कहने से हम ऑलरेडी नेता हैं,
भाई मेरी बात है, 500 घंटा रोल सुन रहा है तो मैं नेता ही हूँ और क्या हूँ मैं। ये MLA इतना देखिए, बाबा साहब बार बार कहते हैं बाबू लोग जो है ना बर्बाद कर देगा समाज, बार बार कह रहे हैं ये बाबू सब, ये बात कह रहा है। हम आपसे कौन नेता कह रहा है जिसके पास हम टिकट मांगने गए हैं कि हमको MLA बना दो, वाइस चांसलर बना दो, गवर्नर बना दो, किसने कहा है? नेता को हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मैं किसी नेता के पास नहीं जाता। दूसरा मेरा सवाल था कि मनुवाद, आप देखिए पहले बात समझ, आप अपने लोग को जगाना नहीं, नहीं दोनों एक ही बात है। जब मेरे लोग जगेंगे तो मनुवाद की जड़ें उखड़ेंगी, दोनों एक ही बात है। इसलिए नेता वाली जो बात कहे ना, मेरे समाज के सारे लोगों को बोल दीजिए कि आपसे एक रुपया चंदा नहीं लिया है, आपके यहाँ खाना नहीं खाया है, आपसे टिकट नहीं मांगा है, मैंने नहीं कहा कि मुझे VC बनाओ, आप मेरे साथ आए चाहे नहीं आए, जो लड़ाई मुझे लड़नी है, मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला रतन लाल बोल रहा हूं, हमें वो जिंदा करना है अम्बेडकर को। आप मेरे साथ आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो काम करना है मैं बाबा साहब के थ्रू उनको पढ़ते हुए, उनको बोलते हुए, और मैं खुद अपने आप को मरने के बाद भी जिंदा बनाऊंगा, ये मेरी मुहिम है। आप आज नहीं सुनेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी बात सुनेंगे जो मैं लगातार कह रहा हूँ। इतने भिखारी, मानसिक भिखारी लोग हैं, अरे कुछ करो। अच्छा टिकट के लिए गए थे ये MLA बनने गए थे? अरे मैं जहाँ रह रहा हूँ, पहले पूरा वीडियो विजुअल दिखाइए पूरा, ये है वीडियो है, है ना, यहाँ का मंत्री रहता है ऐसे, उसकी हिम्मत है ऐसे रहने की? कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, बुलाइए उनको मेरे सामने। तो उससे बड़ा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए नेता फेता के बात छोड़ दीजिए। क्या इस एटीट्यूड की जी आप बात कर रहे हैं, इसे सॉल्यूशन है और इसी से एक बेहतर जो राष्ट्र की आप कल्पना करते हैं, कैसा देश देखना चाहते हैं आप? हम देखना चाहते हैं वही जो बार बार बाबा साहब कह रहे थे, एक समतामूलक समाज हो। जब मेरे कोट पहनने से आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, इसका मतलब अभी काम बाकी है, समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे कोट पहने से देख रहे, 3 पीस देखिए, दिखाइए जरा कितना बढ़िया है, एकदम ब्रांडेड है। इससे आपके पेट में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो इसका मतलब है मिशन बाकी है। सब लोग कोट बढ़िया पहने, ब्रांडेड पहने, अच्छे से रहें, कोई किसी को दमन न करे, भेदभाव न करे, गाली न दे, सम्मान के, यही तो सपना है, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप लोग हर समय कहते हैं कि MLA MB नेता बनना चाहते हैं, अरे नेता हमें कौन बनाएगा, नेता तो मैं ऑलरेडी हूँ। ये नेता जिसको समाज नेतृत्व स्वीकार करता है वही नेता होता है। MLA MLA तो आते हैं ऐसा भिखारी टाइप से, जो है चुनाव में आएंगे, वोट मांगेंगे, हार जाएंगे तो सोए रहते हैं। वो सब छोड़ दीजिए, वो सब बात मत कीजिए, MLA नेता को बात नहीं करता सर। एक और सवाल, जिस तरह के अभी हालात हैं, जिस तरह के खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर जिस तरह का दबाव है, ऐसे दौर में जब आपके बारे में लोग सोचते हैं तो एक आपके सुचिंतक हो या आपके विरोधी हो, कहते हैं कि आखिर इतना आत्मबल कहाँ से आता है आपको? वो बाबा साहब की किताब से आता है और कहीं से नहीं, मेरे पढ़ने से आता है। वो जितने बाबू लोग हैं ना, उनको बोलिए कि अपना कर्मचारी संगठन में चंदा दें, और जितने बाप से उसमें चंदा दें, और चंदा दे कर साल में जो है ना एक कन्वेंशन करे, खूब भाषण हो, पूरा गाली दें पूरा मनुवाद पे, और फिर जाके भात खा के सो जाएं। आपने 10 किताबें लिखी है, अम्बेडकर नामा चला रहे डिजिटल मीडिया पर, अगला एजेंडा क्या है आपका, अगला क्या सर, आगे किस पर काम करें? लगातार अभी अम्बेडकर साहब 1000 वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग से एक शिकायत भी है, जिस रफ्तार से अम्बेडकर नामा बढ़ना चाहिए था वो रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये खाली मैं दाल रोटी के लिए अम्बेडकर नामा थोड़ी चला रहा, उतना तो रोज़ मेरा जेब से खर्चा होता है, जितना उसमें पैसा आता है ना उससे ज़्यादा मेरे आज देख लीजिए खर्चा का हिसाब। तो मैं कर रहा हूँ समाज को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ चैनल नहीं चला रहा, मैं एकेडमिक काम कर रहा हूँ। तो जितने यूट्यूब के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी अपने स्टूडियो में बैठ के अम्बेडकर नामा का पेज खोल के कभी स्टोरी नहीं बनाई होगी कि ये क्यों देखना चाहिए, तो अपने ईमानदार अपने इंटीग्रिटी पे भी सवाल करिए। इतने साथी है, मैंने सबको बोला था आइए, मैं कोई मेनस्ट्रीम मीडिया को नहीं बुलाता मैं, तो आप लोग अपने जिम्मे का काम करिए, आप न्यूज़ चलाइए ना, कहाँ दिक्कत है, मैं कहाँ न्यूज़, मैं थोड़ी जा रहा सिंगू बॉर्डर में रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं किसान आंदोलन पर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा है इस पर मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो आप अम्बेडकर नामक आप शेयर नहीं करें, उसका प्रचार नहीं करेंगे तो मत कीजिए। जो काम आप अगर सहयोग करेंगे तो 1 साल में होगा, आप नहीं करेंगे तो 5 साल में, तो 5 साल इंतजार करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। आपको बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन हर दौर में, चाहे वो फूले साहब का दौर हो, जब गुलामगिरी आया और किसान कोरा आया, डॉक्टर अम्बेडकर का दौर मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
कांसीराम साहब का दौर है, लालू प्रसाद तक का दौर है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला है, उसके लिए किसी न किसी ने, हर किसी ने अपने अपने समय में कुर्बानियाँ दी है। हो सकता है प्रोफेसर रतन लाल जो हैं वो अब अगली कड़ी हैं जो लगातार समाज के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उसके आर्थिक सामाजिक नुकसान दोनों उठा रहे हैं, और हम जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी झेलना पड़ता है। एक जो लांछन लगता है कि आप नेता बनना चाहते हैं, मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे नेता की ज़रूरत है जो उसके मुद्दों पर बात करें। नहीं तो आज इसमें मैं बहुत सीरियस हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है। नेता का मतलब हमारा समाज समझता है एमएलए एमपी मुख्यमंत्री बनना। मैं वही बाइंड अप कर रहा था सर, आपके 131 एससी एसटी के सांसद हैं, 182 ओबीसी के सांसद हैं, और सुनिए आवाज नहीं उठ रही है। मेरा एटीट्यूड है उससे बड़ा आदमी मैं खुद हूँ, उनको बोल दीजिएगा हमें जरूरत है कुछ ऐसे सोशल एक्टिविस्टों की, ताकि फिर गुलामगिरी भी आए और समाज को एक दिशा मिले। मैं अपने तरफ से जितना 4 साल 5 साल में इनको जान पाया हूँ, मुझे लगता है कि भारत में रतनलाल जैसे हजारों नोम चोम्स्की की जरूरत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया सर हमसे बात। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।